वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू माई लवली एवियन। सो आज मैं बहुत तगड़ा सोया हूँ, आप मेरे फेस को देख के समझ सकते हो। सो येस एंड राइट नाउ आई एम हैविंग माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हियर। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में है बटाटा वाड़ा सांभर और चाय। अभी बटाटा वाड़ा सांभर का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ऐसा कॉम्बिनेशन कर रहा ना, मुझे बहुत पसंद है। तो कैसा लग रहा है मल्हार? तो मैंने मेरे मल्हार पे फूल क्यों चढ़ाया है, बिकॉज आज है गुड़ी पड़वा। सो हैप्पी गुड़ी पड़वा टू माय ऑल इंडियंस। तो पापा मैं क्या बोल रहा था कि गुड़ी पड़वा क्यों मतलब सेलिब्रेट किया जाता है? नए साल की शुभकामनाएं मराठों में। अच्छा, नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। ओके, जैसे कि राम जी अयोध्या लौटे। पर वो तो दिवाली का टाइम था ना? नहीं नहीं, इसमें भी माना जाता है। इस टाइम पे भी आए थे? दो दो बार आए थे क्या अयोध्या से? दो बार की दिवाली में एक प्रचलित है, माना जाता है। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट मराठी लोगों का न्यू ईयर है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा मतलब मराठी लोगों का, मराठों का क्या, हिंदुओं का नया साल होता है। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं? गुड़ी पड़वा की आपको सब कुछ शुभकामनाएं, आपकी आरोग्यमय रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, मस्त मेहनत करो, कमाओ और जिंदगी सुकून बनाओ। अच्छी बात है, खुशी बनाओ और खुशियाँ तुम्हारी जिंदगी में आते ही रहे, यही मेरे व्यूअर्स लोग को आशीर्वाद है। बस कमेंट बॉक्स में मेरे प्रति, हमें AMU के ट्यूब के प्रति अच्छे कमेंट्स लिखना। तो आज मैं और डैड जा रहे हैं एक सोएंसो लोकेशन पे, तो आज शॉर्ट राइड होने वाली है मेरे डैड के साथ। सो पप्पा, आपको कैसा लग रहा है कि आज बड़े दिनों बाद फिर आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ शॉर्ट राइड पे आ रहे हो ना? सो एक जगह पे हम जा रहे हैं, वो जगह क्या है वो आपको बाद में बताता हूँ, बट आज मतलब मुझे प्राउड फील तो नहीं, मतलब मैंने शॉर्ट राइड किया, बट मेरे डैड के साथ शॉर्ट राइड करूंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। और आप लोग भी बहुत बोल रहे थे कि डैड के साथ शॉर्ट राइड करो, तो फिर पप्पा चलेगा? चलो, इस तरह से अभी हम लोग निकल पड़े हैं। तो पप्पा, गणपति पप्पा मोरिया। तो अभी बहुत टाइम बाद, मतलब मैं और डैड, पहले बहुत टाइम बाद ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही जा रहे पापा, बहुत मज़ा आएगा। एंड गाइस, ये जो दिख रहा है मोबाइल, ये मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों माउंट किया है, बिकॉज मेरा जो दूसरा जो GoPro था वो एक्चुअली ख़राब पड़ गया है। तो अगर वो GoPro होता तो वो यहाँ पर ही माउंट होता, बट ठीक है, अभी मैंने कुछ यहाँ पे इंडियन जुगाड़ किया है मोबाइल लगा के, तो थोड़ा वो ऑकवर्ड लग रहा है, बट कुछ नहीं, बाद में हम निकाल देंगे उसको। गाइस, आज का जो क्लाइमेट है ना वो भी एकदम ऑसम है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, थोड़ा मॉनसून वाला क्लाइमेट हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है भिड़ू। पापा को मेरे पीछे बैठने को हो रहा नहीं है, इसलिए अभी पापा ने बाइक स्विच कर ली है। लोग आ गए हैं सैडल स्टे को निकालने के लिए, एंड यस फाइनली मैं अभी सैडल स्टे निकल रहा हूँ, बिकॉज गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती है हाई स्पीड पे। क्या पकड़े रहो ऐसा? अच्छा, अरे इतना ही था। अच्छा, संभाल के रखो वरना स्क्रैच पड़ जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, इसको निकालू क्या? पीछे वाला भीग जाएगा पानी से। पानी? अरे पागल, वो सारी गाड़ बोलते हैं इसे, पानी से भीगते बोलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? संदीप राजभर। अच्छा, अभी मैंने मेरा सैडल स्टे निकलवाया है। तो सुशील कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ना थोड़ा बहुत, तो ठीक है। पर जब लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो ही मैं मेरे सैडल स्टे बिठाने वाला हूँ, आप देख सकते हो ये। तो अभी चले गए, देखते हैं कि कैसा लगेगा। बाहर कोई तो कुत्ता भौंक रहा है, उधर कोई तो कुत्ता है, देख रहे हो आप वो।
और पोगो भी भूख रहे हैं, बदले में उसका आंसर कर रहे हैं। तो सैडल से निकलने के बाद गाड़ी थोड़ी और हल्की हो गई। एंड ये अभी लॉन्ग राइड को तो मैं जा रहा नहीं हूँ, तो सैडल से अभी लगा के तो मेरे को तो ऐसा कुछ मतलब लग रहा नहीं था। अगर मैं ऐसी लॉन्ग राइड लॉन्ग रूट पे जाऊँगा जहाँ पर मुझे लगेज कैरी करना होगा ना, तो मैं सैडल से फिर से लगा दूंगा, चल पड़ूंगा मेरे डेस्टिनेशन के लिए। एंड गाइस डेस्टिनेशन से ये याद है कि कल अभी न्यूज़ में ये बता रहे कि कल लॉकडाउन लगने वाला है, बट कल सुबह लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। और ये सुबह मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ एक सुनसान जगह पे जा रहा हूँ राइड पे, तो मैं वहाँ पर पहुंच ही गया रहेगा क्योंकि ये वीडियो कल जाने वाली है। सो यस आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो एक ऑसम जगह पे मैं जा रहा हूँ कल राइड पे। और राइड से ये याद है, सो आज मैं बाइक राइड कर रहा था तो थोड़ा वेदर मानसून हो गया था, ऐसे वेदर मेरे को बहुत पसंद है। सो गाड़ी मेरी स्पीड पे थी, लाइक 90 के स्पीड पे थी। सो अचानक से ना, एक अभी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, काश अगर वो सीन रिकॉर्ड हो पाता। सो मैं एकदम 90 के स्पीड पे मेरी बाइक चला रहा था और अचानक से मेरे सामने वैगनर थी और रास्ता एकदम खाली था गाइस। सो मैंने मेरे TFT डिस्प्ले पे स्पीड देखी तो 90 स्पीड थी, मुझे लगा कि रास्ता खाली है एकदम, गाड़ी एकदम भाग गई और जो स्पीड ब्रेकर मेरे को दिखाई नहीं दिया। यस गाइस, और स्पीड ब्रेकर के ऊपर से मैंने मेरी गाड़ी धड़म धड़म ऐसे हो गई। मैं एक सेकंड के लिए डर गया, मेरे को लगा कि गया आज खत्म, जितने ड्यूक 390 इतने शौक से ली थी खत्म, ड्यूक 390 के साथ साथ आम भोसले दिए यूट्यूब भी खत्म। बट नहीं, WP सस्पेंशन के कारण आपका भाई बच गया। और यस, गाड़ी चलाते समय जो नज़र रहती है वो सामने रखा करो, क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। सो यस, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, शॉर्ट एंड सिंपल ही है आज का व्लॉग। बट कल का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो बहुत ऑसम व्लॉग होने वाला है। सो कल 11:30 को मिलते हैं। सो जाते जाते लाइक बटन को दबा कर कीजिए ब्लैक, सब्सक्राइब बटन को दबा कर कीजिए ग्रे। सो या टिल देन, आई एम अमय भोसले साइनिंग आउट फ्रॉम यूट्यूब। हैव अ व्हाट गुड डे। कल 11:30 को देखना, कल ऑसम व्लॉग होने वाला है। बाय। Some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer.